मैजिकल मोटिवेशंस में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब वाला लाल बटन भी दबा देना। अब पेश है एक नई कहानी। एक बार आदिश अपने मम्मी पापा के साथ स्कूल की छुट्टियों में अपने बड़े पापा के यहाँ पर दिल्ली गया। जैसे ही आदिश और उसके मम्मी पापा दिल्ली पहुँचे, उसके बड़े पापा उनको लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। फिर वो सारे ही बड़े पापा की कार में बैठकर घर को जाने लगे तो रास्ते में आदिश बोला, पापा बड़े पापा, मुझे भी ऐसी कार चलाना पसंद है, मुझको भी ऐसी कार चाहिए, आप दिलाओगे ना? हाँ आदिश बेटा, जरूर दिलाऊंगा, पर तुझे अपने से बड़ों की हर बात सुननी और माननी पड़ेगी। बड़े पापा, मैं अब से आप सब लोगों की हर बात मानूंगा, पर आप मुझे रिमोट कंट्रोल वाली कार दिलवाना। ठीक है बेटा, मैं आपको कल ही नई रिमोट कंट्रोल वाली कार खरीद के दूंगा। और वो इस तरह बातें करते हुए घर को पहुँचे। घर पहुंचने पर आदिश की बड़ी मम्मी ने सबका स्वागत किया और सबको चाय नाश्ता करवाया। नाश्ता करते करते आदिश बोला, पापा मुझे तो दही भल्ले खाना है, आप तो मेरे लिए दही भल्ला मंगवाओ। तब बड़े पापा ने कहा, आदिश बेटा अभी तो तू ये समोसे खा ले, मैं शाम को तेरे लिए दही भल्ले और पिज्जा बर्गर भी मंगवा दूंगा। ये बात सुनकर तो आदिश नाचने लगा। और अब अगली सुबह जब सब लोग सुबह सोकर उठे तो आदिश ने उठते ही बड़े पापा के पास जाकर बोला, पापा आपको याद है ना, आज मुझे आप नई रिमोट कंट्रोल वाली कार दिलाओगे? हाँ बेटा, पर पहले तुम जाकर नहा लो और फटाफट तैयार हो जाओ। तब आदिश भागकर अपनी मम्मी के पास आया और बोला, मम्मी मम्मी मुझे फटाफट नहला दो और तैयार कर दो, मुझे बड़े पापा के साथ मेरी नई रिमोट वाली कार लेने बाजार जाना है। कुछ देर बाद आदिश और बड़े पापा दोनों मिलकर मार्केट में रिमोट वाली कार लेने पहुँचे। वहाँ पर कई तरह की कार और बाइक्स को देखकर आदिश को खूब आनंद आया और वो सोचने लगा कि कौन सी लूँ, ये लूँ या वो लूँ। फिर उनमें से एक कार पसंद करके वो बड़े पापा के साथ वापस अपने घर आया और घर आने पर आदिश ने सबको अपनी रिमोट वाली कार चलाकर दिखाई और सबने मिलकर आदिश को अपनी नई कार की बधाई दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।